बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। यू ऑल आर वेलकम्ड इन एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। इट्स योर कंप्यूटर ऑनलाइन लेक्चर। टुडेज आवर टॉपिक इज ई कॉमर्स। तो सबसे पहले हम अपने लेक्चर के कंटेंट्स के बारे में देखते हैं कि हमारे कंटेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ई कॉमर्स का हमारी लाइफ के अंदर रोल क्या है, वो किस तरह से हमारी लाइफ में रोल प्ले कर रही है। तो सबसे पहले ई कॉमर्स, ये जो ई कॉमर्स है इसका स्टैंड फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये जो ई कॉमर्स है बेसिकली ये एक प्रोसेस है, ये एक वे है। ये कौन सा प्रोसेस है? बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए से, कंप्यूटर नेटवर्क्स के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से जब आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं या आप प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं या फिर आप प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ए कॉमर्स। सिंपल वे में अगर इसकी बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट के ज़रिए से अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना, अपनी प्रोडक्ट्स को ख़रीदना या सेल करना या उनको एक्सचेंज करना, दिस इज़ नोन एज ई कॉमर्स। और सिर्फ प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ख़रीदा ही नहीं जाता बल्कि जो पेमेंट्स होती है वो भी ऑनलाइन ही क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से की जाती है, दिस इज़ नोन एज ई कॉमर्स। ये जो ई कॉमर्स है ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। बहुत सी ऐसी इसकी सर्विसेज हैं, बहुत से इसके रोल हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो हम देखते हैं कि ये जो ई कॉमर्स है ये किस तरह से हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो सबसे पहली जो इसकी सर्विस है वो है जी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है ये ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी है। बहुत से बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप घर में बैठे अपने कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए से आप अपने बैंक के कंप्यूटर के साथ लॉगिन हो सकते हैं और आप घर ही बैठे अपनी तमाम की तमाम फाइनेंशियल डीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ऑनलाइन बैंकिंग है। ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए से आप लोग अपने बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं घर ही बैठे। पहले क्या होता था कि आप लोगों को लाइंस में लगना पड़ता था, ठीक है, लोगों को, अभी भी लोग कर रहे हैं लाइंस वगैरह में लग के बिल वगैरह अपने पे करवाते हैं, बट ये जो ई कॉमर्स है इसने आपको घर बैठे ये फैसिलिटेट कर दी है कि आप घर बैठे अपने अकाउंट्स वगैरह से अपने बिल वगैरह, यूटिलिटी बिल्स वगैरह भी पे कर सकते हैं। तो घर बैठे आप अपने बैंक अकाउंट्स को जब कंट्रोल कर रहे होते हैं इंटरनेट के ज़रिए से, दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। दूसरा जो रोल है ई कॉमर्स का वो है जी इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग से मुराद है घर बैठे इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए शॉपिंग करना, जिसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं और जितने भी तकरीबन ब्रांड है हर एक की एक वेबसाइट मौजूद होती है, ठीक है, हर एक की वेबसाइट मौजूद होती है। हम क्या करते हैं, हम उनकी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं, वहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से उनको पेमेंट कर देते हैं। इस तरह से मार्केट जाके जब आप ख़रीदते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस ये जो फैसिलिटी है कि ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है, दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ठीक है। ये जो ई कॉमर्स की फैसिलिटी है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। उसके बाद है जी थर्ड सर्विस जो ये प्रोवाइड कर रही है वो है जी कंडक्टिंग ऑक्शंस। ये जो कंडक्टिंग ऑक्शंस है इसका मतलब, ऑक्शन का मतलब होता है बोली लगाना, ठीक है।
किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए लोग ऑनलाइन ऑक्शंस कंडक्ट करते हैं, यानी कि पूरी दुनिया से लोग एक जगह पे ऑनलाइन हो जाते हैं और वो उधर बैठे एक प्रोडक्ट की बोली लगा रहे होते हैं जो सबसे ज़्यादा पैसे ऑफर करता है कि मैं सबसे ज़्यादा पैसों में इसको ख़रीदूँगा, ठीक है, तो उसको वो प्रोडक्ट दे दी जाती है, उसको वो प्रोडक्ट सेल कर दी जाती है और वो जो बंदा प्रोडक्ट ख़रीदता है वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से उसकी पेमेंट कर देता है। तो ये जो कंडक्टिंग ऑक्शंस है इसके लिए एक वेबसाइट बहुत फेमस है ईबे के नाम से, ठीक है, ईबे एक वेबसाइट है, वो ऑनलाइन कंडक्टिंग ऑक्शंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। उसके बाद है जी फोर्थ वन है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ये जो ई कॉमर्स है ये ना प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एडवर्टाइजमेंट का क्या मतलब होता है? अपनी प्रोडक्ट की पब्लिकसिटी करना, अपने प्रोडक्ट को दूसरों को दिखाना, उनको उनको अपने प्रोडक्ट की मशहूरी करना, ठीक है, ये कहलाता है प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट। बहुत सी वेबसाइट्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लोग उन वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप उन वेबसाइट्स के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, यानी कि जब उधर वेबसाइट पे लोग लॉगिन होंगे तो हमारी प्रोडक्ट भी उनको दिखाई दे देगी। तो ये जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का वे है ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और रिलायबल वे है अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। आमतौर पे हम भी जब किसी वेबसाइट पे लॉगिन होते हैं तो हम भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड वगैरह देख रहे होते हैं, तो ना चाहते हुए भी हम किसी ना किसी प्रोडक्ट की डिटेल हासिल कर लेते हैं, तो इस तरह से उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट वो कंपनी कर रही है उस वेबसाइट के ज़रिए से और वो हम तक पहुँच रही है। सेम वे से हम भी अपनी प्रोडक्ट की इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। पाँचवी फैसिलिटी है जी प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज। तो ये जो ई कॉमर्स है ये सिर्फ प्रोडक्ट्स को सेल ही नहीं कर रहे, ठीक है, बल्कि ये कस्टमर्स को ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन, बहुत ज़्यादा कंपनीज, ठीक है, ऑनलाइन अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल अपने कस्टमर्स तक पहुंचाती हैं, ठीक है। अगर कस्टमर को कोई कंप्लेन होती है तो वो कंपनीज ऑनलाइन उनकी कंप्लेंस को भी रिजॉल्व कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ई कॉमर्स ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आठवीं जी इसकी सर्विस है ऑनलाइन ट्रेवल रिजर्वेशन। तो ये जो ई कॉमर्स है इसके ज़रिए से आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट्स को सेल परचेज नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही सिर्फ आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बल्कि इसके ज़रिए से आप ऑनलाइन अपनी फ्लाइट वगैरह की सीट्स रिज़र्व करवा सकते हैं, आप होटल्स के अंदर रूम को बुक करवा सकते हैं और आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कार वगैरह की बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है, ये भी काम आप सारे इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। ये जो कार ऊबर और क्रीम वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली कैसे हम कर रहे हैं, इंटरनेट के ज़रिए से हम ऑनलाइन अपनी राइड बुक करवाते हैं और वो गाड़ी वाला हमारे पास आ जाता है और हम उसकी सर्विस को हासिल कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो हम क्रीम और ऊबर इस्तेमाल कर रहे हैं इट इज़ द फैसिलिटी ऑफ ई कॉमर्स। इस तरह से डिफरेंट वे से ई कॉमर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सातवीं इसकी सर्विस है ऑनलाइन ट्रेडिंग। ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है इसको अगर एक सेंटेंस में डिफाइन किया जाए तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? कंडक्टिंग बिजनेस यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए जब बिजनेस परफॉर्म किया जाता है, बिजनेस का प्रोसेस, तो इसको कहा जाता है ऑनलाइन ट्रेडिंग। ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है इसके अंदर एक स्टॉक ब्रोकर होता है,
वो क्या करता है, पूरी दुनिया में जहाँ पे प्रोडक्ट किसी ने सेल करनी होती है उसको वो दूसरे पर्सन के साथ मिलवाता है जिसने प्रोडक्ट खरीदनी होती है। तो वो जस्ट अपने बीच में से कमीशन हासिल करता है, अपने वो जो अर्न करना होता है उसने वो अपनी अर्निंग करता है और उन दोनों को आपस में मिलवा देता है। वो जो स्टॉक ब्रोकर होता है उसको किसी पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती, उसको किसी स्पेशल बिल्डिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, वो जस्ट अपना काम है कंप्यूटर सिस्टम पे इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कर रहा होता है। तो इस तरह से जब स्टॉक ब्रोकर अपने मामलात डील कर रहा होता है, ठीक है, तय कर रहा होता है, तो इसको बेसिकली कहा जाता है ऑनलाइन ट्रेडिंग। आखिरी जो सर्विस है वो है जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये एक बिल्कुल ऐसे ही मीटिंग कंडक्ट करना है जैसे हम एक दूसरे के आमने सामने बैठ के मीटिंग कंडक्ट कर रहे होते हैं। ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है इसको परफॉर्म किया जाता है, इसके अंदर एक कैमरा होता है और एक माइक्रोफोन होता है। आप अपनी साइट से ऑनलाइन हो जाते हैं और दूसरी साइट से दूसरा पर्सन भी ऑनलाइन हो जाता है, फिर आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे ही बात कर सकते हैं, आप एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे ही सुन सकते हैं, आप एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे ही देख सकते हैं और अपने मटेरियल वगैरह एक दूसरे को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे आप एक ही रूम के अंदर बैठे हों, ठीक है। तो आप ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये जो आजकल ऑनलाइन लेक्चर हो रहे हैं, ये भी बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंस में ही कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है जी। तो दीज आर डिफरेंट सर्विसेज ऑफ ई कॉमर्स विच इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। तो ई कॉमर्स इस तरीके से हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और हम ई कॉमर्स की सर्विसेज को हासिल कर रहे हैं। तो किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह ताला न्यू टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।